पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने एंगर मैनेजमेंट नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत पाक रिश्तों को विस्तार से बताया है। और इसी के साथ केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से देश की विदेश नीति में हुए बदलावों की भी चर्चा की है। बिसारिया ने इस किताब में उरी बालाकोट हमले के अलावा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष रहे परवेज मुशर्रफ की भारत यात्रा के दौरान अटल सरकार से उनकी बातचीत को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। अजय बिसारिया किताब में उरी हमले के बारे में गहराई से इसके अंदर बयान करते हैं। कहते हैं कि जब ये हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ तक बात पहुंची, तो वो आर्मी ऑफिसर अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं। नवाज शरीफ को जो बात पता चलती है उससे वो काफी नाराज होते हैं। इसी के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत कुछ होता है और उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। उनके खिलाफ केस भी चलाए गए और इसी कारण उनको देश छोड़ना पड़ा। उरी हमले के पीछे उन्होंने अपनी किताब में बताया कि ये सब उस समय शुरू होता है जब नवाज शरीफ की पोती की शादी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, तो पाकिस्तान में बड़े बड़े अधिकारी हैरान हो जाते हैं। उससे पहले भी जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, जिसके बाद पाक में उनके खिलाफ एक गुस्सा पनपना शुरू हो गया था। पाकिस्तान में सरकार के अलावा कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो वहां की फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के संबंध को लेकर। इन लोगों को नवाज शरीफ और पीएम मोदी के खिलाफ बन रहे संबंध रास नहीं आ रहे थे और यहां पर एक गुस्सा जमा होना शुरू हो गया था। शरीफ को पसंद नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान हुकूमत या वजीर आजम की तरफ से भारत के साथ ताल्लुकात कायम किए जाएं, और जहां से यहां का वजीर आजम वहां पर जाए और वहां का वजीर आजम धड़ल्ले से पाकिस्तान आए। उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या क्या हुआ, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी तरफ से उरी हमले को अंजाम दिया गया। बिसारिया अपनी किताब में ये भी बताते हैं कि इसके बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है। हालांकि ये बात सिर्फ अजय बिसारिया ने अपनी किताब में ही नहीं लिखी, बल्कि पाकिस्तान में कहा भी जाता है कि यहाँ पर कोई भी वजीर आजम भारत से संबंधों को बनाने को लेकर कोई हैसियत नहीं रखता। अजय बिसारिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने किताब में वो लिखा है जिसकी मुझे जानकारी थी। बालाकोट के बाद क्या कूटनीति हुई मैंने इसमें लिखा है। मुझे जानकारी नहीं कि एग्जैक्टली कितनी मिसाइल थी, मगर ये बात पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के राजदूत सोहेल मोहम्मद ने इस्लामाबाद से फोन किया कि इमरान खान प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे। आधी रात का समय था तो मैंने चेक किया। मैंने वापस उनको कहा कि इस समय तो प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, आपको जो बात करनी है आप मुझे बताएं, मैं आगे उसको जरूर पहुंचा दूंगा। ये किस्सा हमें बताता है कि उस समय मामला सीरियस था, कुछ होने का डर था और पाकिस्तान की समझ में डर आ गया था। जो हमें चाहिए था वो ये कि विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन वापस आ जाएं, और वही हासिल भी हुआ। बिसारिया कहते हैं कि ये नीति सक्सेसफुल रही और हमारा पायलट वापस आ गया। उरी, पुलवामा और बालाकोट के बाद जो एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक हुई, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत अब टेररिज्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसका पहलू ये है कि पिछले 5 साल में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, हालांकि छोटी घटनाएं हो रही हैं। ये समाप्त नहीं हुआ है, मगर आतंकवाद में कमी जरूर आई है। बिसारिया ने कहा कि अब भारत की डिप्लोमेट्स में कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, क्योंकि भारत ने तरक्की की है। जो नीति समझाई जाती है, जो आदेश आते हैं वो क्लियर होते हैं, तो दोनों चीजें कैपेसिटी और विल बनाती हैं। जो डिप्लोमेट्स हैं उनका ये आश्वासन है कि देश में इतनी ताकत है जिसको वो बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भारत में जो 1980 और फिर 1990 में दहशतगर्दी हुई, उस वक्त उसका उस तरीके से जवाब नहीं दिया गया जैसा अभी हालिया जवाब दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर 80 और 90 के दशक की पॉलिसी भी इंडिया में ऐसी रहती तो दहशतगर्दी जो कि पंजाब में हुई या फिर कश्मीर में हुई, तो उसको भी रोका जा सकता था, लेकिन उसको नहीं रोका गया, उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। पीएम मोदी के दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी स्ट्रॉन्ग बनाई गई हैं कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ा कि दहशतगर्दी की कोई ऐसी सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और उनको चेंज करना पड़ेगा। अजय बिसारिया ने अपनी इस किताब में और भी कई खुलासे किए हैं, और खास तौर पर पीओके को वापस लेने पर किस तरह की स्ट्रेटजी चल रही है और चलनी चाहिए उस पर भी अंदरूनी तथ्य रखे हैं।